अला अल हिंसिल अज़ीम, और बड़े गुनाह यानी कुफ्र पर अड़े हुए थे। वकानू यकूलूना इज़ा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून, और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां हो गए तो क्या हमें फिर उठना होगा। और क्या हमारे अगले बाप दादा को भी। कह दो कि बेशक पहले और बाद वाले सब एक रोज़े मुकर्रर के वक्त पर जमा किए जाएंगे। फिर तुम ऐ झुटलाने वाले गुमराहो, थूहर के दरख्त से खाओगे, फिर उसी से पेट भरोगे, फिर उस पर खौलता हुआ पानी पियोगे, फिर पियोगे भी इस तरह जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं। इंसाफ के दिन ये उनकी ज़ियाफ़त होगी। हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते। देखो तो कि जिस नुत्फे को तुम डालते हो, तुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून, क्या तुम उससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं। नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूकीन, हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है और हम इस बात से आजिज नहीं। अला अनुबद्दिल अम्सालकुम व नुंशिअकुम फीमा ला तअलमून, कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुमको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है फिर तुम सोचते क्यों नहीं। أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, भला देखो तो जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाते हैं। لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ, अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें और तुम बातें बनाते रह जाओ। इन्ना लमुग्रमून, कि हाय हम तो तावान में फंस गए। बल नहनु महरूमून, बल्कि हम बेनसीब रह गए। अफरअईतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, भला देखो तो जो पानी तुम पीते हो। अअन्तुम أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون, क्या तुमने उसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं। لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون, अगर हम चाहें तो हम उसे खारी कर दें फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते। भला देखो तो जो आग तुम दरख्त से निकालते हो, क्या तुमने उसके दरख्त को पैदा किया है
या हम पैदा करते हैं। نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ हमने इसे याद दिलाने और मुसाफिरों के बरतने को बनाया है। فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ तो ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करो। فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ सो हमें तारों की मंजिलों की कसम। وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ के ये बड़े रुतबे का कुरान है। فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ जो किताबे महफूज में लिखा हुआ है। لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया है। अफबिहादल हदीस अंतुम मुदहिनून क्या तुम इस कलाम के मानने में देर करते हो। वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून और अपना वजीफा ये बनाते हो कि इसे झुटलाते रहते हो। फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लटा क्यों नहीं लेते। फिर अगर वो अल्लाह के मुकर्रबों में से हुआ तो उसके लिए आराम रोजी और नेमत के बाग होंगे। فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ और अगर वो दाएं हाथ वालों में से हुआ तो कहा जाएगा तुझको दाहिने हाथ वालों की तरफ से सलाम। وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ और अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से हुआ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ तो उसके लिए खौलते हुए पानी की ज़ियाफ़त होगी। وَتَسْمِيَةُ جَحِيمٍ और जहन्नम में दाखिल किया जाना। إن هذا له حق اليقين ये बात वाकई यकीनी है। فسبح باسم ربك العظيم तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार के नाम की तस्बीह करते रहो। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, कितना ही ज़्यादा इमोशनल सा लगा, कितना ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम लोग जो क्या मतलब जो भी नापाक इंसान हो कुरान शरीफ को नहीं छू सकते, पाक इंसान ही करे उसको कुरान शरीफ को छू सकते हैं, उससे हाथ लगा सकते हैं और अल्लाह ताला देख रहे होते अच्छे रास्ते पे चलो। पूरी दुनिया पूरा जहान पूरी सृष्टि बनाने वाला ऊपर वाले अल्लाह ताला ही है, उनकी किस किस नेहमत को झुटलाओगे, किन किन चीज़ों को बोलोगे कि ये सब झूठा, आखिरकार सब बनाने वाला वही है ऊपर वाला, उसने ही बनाए हैं और वही मिटा सकता है। और अच्छे काम करो, अच्छे रास्ते से चलो, अच्छे काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, हूर पर मिलेंगी, अच्छे अच्छे खाने को मिलेंगे, ऐसे शराब मिलेंगे जो का मतलब जो अच्छे हो, सेहत के लिए अच्छे हो, जिसमें नशा ना हो, बहुत ही अच्छा मिलेगा। और जो
पूरे काम किए होंगे, जिनका काम बहुत पूरा होगा उनको दोजख में जलना पड़ेगा, बुरी से बुरी सजा दी जाएगी, बहुत बुरी सजा दी जाएगी। क्या मतलब, जो ऊँट होता है उसकी तरह प्यासा भटकेगा और गरम गरम पानी पिएगा। गॉड कैसे कैसे बताया था, सच में बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।